हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग के ए टू जेड जानकारी हम लोग इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग का जब बात करते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी को समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मान लो ये आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, और जो प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी आई बात समझ में। ठीक है, तो ब्लड ग्रुपिंग किस पे बेस्ड होता है? ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सरफेस एंटीजन, जैसे कि ए एंड बी। दो तरह का एंटीजन होता है, ए और बी। ठीक है, कि सरफेस पे किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस पे किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी, उस तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर मान लो ब्लड ग्रुप में ए अगर बोलते हैं तो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए एंटीजन इस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसी तरह से बी बोलते हैं तो बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए बी बोलते हैं तो ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होता है। देखो, ए बी अगर बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं ए बी एंटीजन होता, नहीं, ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग ओ बोलते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो उसके आरबीसी पे किसी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। आई बात समझ में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अब कन्वर्जन किसको, डोनेशन कौन डोनेट कर सकता है, किसको कौन डोनेट कर सकता है, तो हम लोग इसमें समझते हैं। जैसे कि देखो, ये ए है, बी, ए बी, ओ, ठीक है, इस तरह से लिख लो। तुम्हें पता है ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर और ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं किस तरह से। देखो, ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, जिसमें बात करते हैं, खुद वाला तो खुद को दे पाएगा। आई बात समझ में। देखो, खुद वाला खुद को दे पाएगा, यूनिवर्सल डोनर है तो ये खुद को देगा। ठीक है, एबी वाला एबी को दे पाएगा। ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप एबी है, वो एबी को भी दे पाएगा, ओ को दे पाएगा। आई बात समझ में। अब अगला बात करते हैं। देखो, अब अगला बात करते हैं, बी वाले किसको दे पाएगा, एबी को। क्यों? क्योंकि एबी के पास क्या है, एंटी एबी के पास क्या है। देखो, एबी के पास किस तरह का एंटीबॉडी, लेकिन एंटीजन एबी का है। ठीक है, और बी वाले के पास कौन सा एंटीबॉडी इसमें होगा, बी वाले के पास कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी ए प्रेजेंट है और एंटी बी प्रेजेंट, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या आरबीसी का क्लंपिंग हो जाएगा, मतलब एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ए वाला एबी को देगा, ठीक है, ए वाला क्या देगा, एबी को देगा। ठीक है, ये इस तरह से ए वाला एबी को दे देगा। आई बात समझ में। तो बात करते हैं ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, तो ओ किसको देगा, एबी को भी देगा। ठीक है, और ओ बी को भी देगा। ठीक है, और ओ ए को भी देगा। आई बात समझ में। तो ये कन्वर्जन समझ में आया। ठीक है, और जब अब देखो, अब ए ये हो गया, अब हम लोग बात करते हैं, ओ ए को दे दिया, ए बी को दे दिया। आई बात समझ में। अब देखो, ए बी चारों तरफ से ब्लड ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, इस तरह से डायग्राम तुम बनाना आ जाएगा तो ये डोनर ग्रुप पता चल जाएगा, है ना बात। तो ये डोनर ग्रुप इस तरह से पता चल जाएगा, तो इस तरह से डायग्राम तुम्हें ये बनाना आना चाहिए। तो अब यहां पर बताओ कि ए बी जो है ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, ये सबसे ले सकता है, और ओ जो है कौन है, यूनिवर्सल ठीक है, ओ यूनिवर्सल डोनर। अगर स्पेसिफिकली बोले तो ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, और ए बी प्लस यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आई बात समझ में। तो ये बात थी, अगर मान लो सिमिलर टाइप का एंटीजन और सेम टाइप का एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो सिमिलर तरह का एंटीबॉडी और सिमिलर तरह का एंटीजन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने समय, नहीं तो क्या हो जाएगा, आरबीसी का क्या हो जाएगा, आरबीसी का क्या हो जाएगा, क्लंप, ठीक है, क्लंपिंग ऑफ आरबीसी, जिसके कारण क्या होता है, एग्लूटिनेशन। ठीक है, मान लो
ओ वाले बी को दे दिया, ओ वाले बी को दिया, ठीक है। लेकिन बी वाले ओ को अगर देते तो क्या होता है, बी वाले ओ को दे दे, बी वाला क्या है, बी वाले के पास कौन सा एंटीजन है, बी वाले के पास कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटी इसके पास ए और बी एंटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेम तरह का एंटी और एंटीबॉडी प्रेजेंट अगर होता है तो क्या हो जाएगा, क्लंपिंग ऑफ आरबीसी होने की संभावना होती है, ठीक है, संभावना होती है। तो ये था ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि सिमिलर तरह का एंटीजन और एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, ठीक है, या डोनेशन ऑफ द ब्लड, तो इस तरह के केस पॉसिबल नहीं होते क्योंकि उस समय क्या होता है, क्लंपिंग ऑफ आरबीसी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है, जो ब्लड ग्रुपिंग का पढ़ते हैं। और ये याद कर लो तो ये सारा चीज तुम्हें याद हो जाएगा, ए का उल्टा बी, बी का उल्टा ए, ए बी का उल्टा कुछ नहीं, ए बी का उल्टा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे याद कर लो। डोनर ग्रुप को याद करने का तरीका इसको याद है, ये याद करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।